नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी में नगर निकाय चुनाव ने दस्तक दे दी है। लोगों द्वारा बेसब्री से इंतजार किए जा रहे हैं, आरक्षण का भी इंतजार खत्म हो चुका है। ऐसे में प्राइम टीवी हर वार्ड में जाकर पिछले कार्यकाल में हुए विकास की नब्ज को टटोल रहा है। इसी क्रम में हमारी टीम ऐशबाग के वार्ड नंबर 26 में पहुंची और वहाँ के विकास कार्य की हकीकत जानी। चलिए ले चलते हैं आपको सीधे ऐशबाग के वार्ड नंबर 26 में। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम पहुंच चुके हैं ऐशबाग वार्ड 26 नंबर वार्ड में, और यहां पे जनता से जानेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो पार्षद थे उनका काम कैसा रहा। भाई साहब, किस तरीके का काम रहा यहां पे? साफ सफाई होती है? बिल्कुल बेकार है, कोई भी सबता ध्यान नहीं आता है। हाँ। बिल्कुल कोई भी सफाई वफाई नहीं होती है। बल्लभपुर वाला रोड देख लिए, बारिश में एकदम पानी भर जाता है। हाँ। सबता ध्यान दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा था बस चुनना है अनुद्दीन भाई जैसा, जो बिल्कुल ईमानदार हो और बिना तबादत रहे। उन्हीं ने बहुत काम कर दिया है। नालियां साफ होती हैं, मच्छर हैं, कुछ नहीं हुआ है। बहुत डेंगू चल रहा है। डेंगू के लिए मतलब क्या, अभी तक कोई कहीं कोई शिकायत हुई पार्षद के पास गए? पार्षद ही यहाँ कोई नहीं है, 4 साल से चुनाव भी नहीं हुआ यहाँ का। हाँ। जो पार्षद थी राकेश शर्मा। हाँ। तो वो भी नहीं आते, उनकी मम्मी सभासद थी, वो भी नहीं आते। ये देखिए, ये मेरे घर के सामने का, यहाँ हम लोग खुद अपने आप बनवा रहे हैं, और इधर रोड पे देखिए खुद अपने आप खुद काम कर रहा है। ना कोई सभासद आता है, ना कभी कुछ आता है। अभी हफ्ता 10 दिन के बाद से देखिएगा आप लोग कैसे लोग वोट मांगने आ जाएंगे, सब करने आ जाएंगे। तो सभासद के पास अभी तक गए आप? सभासद बाद गए, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, लेकिन सुनवाई हुई? सुनवाई नहीं हुई, कभी नहीं सुनवाई नहीं हुई। वाह, मेरे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी। चाचा, क्या हाल है यहाँ की सड़कों का, गंदगी का, किस तरीके से यहाँ पर जो है सफाई साफ सफाई? भाई यहाँ पे जो है गंदगी का ये सवाल है कि हम कंप्लेने करते रहते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक जानवर यहाँ पे मर गया था, बिल्ली, उसकी हम ऊपर तलक के फोन किया हमने। हाँ। मगर कोई सुनवाई उसकी नहीं। नगर निगम आती है? नगर निगम के आते हैं, किसी गार्ड भी हो जाते हैं क्या खत्ता। हाँ। वो साफ सफाई नहीं करता? नहीं, कूड़ा नहीं उठता है यहाँ से। अच्छा। जो घरों से कूड़ा लेते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। अच्छा। एक एक हफ्ता गायब हो जाते हैं। ये थे मेरे साथ, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का माहौल है। जी, गंदगी का माहौल, मेरा नाम अदनान है। ये देख सकते हैं आप खुद ही गंदगी का माहौल क्या है यहाँ। तो पार्षद से आपने शिकायत करी नगर निगम से? कई बार करी है भाई, थक गए, हार गए। तो भाई अब नया पार्षद बने तो कुछ काम हो। अच्छा। सारी चीजों में हार चुके हैं पार्षद, क्या जमादार, क्या जाके बुला के बुलाओ तो अपने से काम कराओ, पैसे दो, ये हाल है। ये कोई साफ सफाई आपको दिख रही है स्वच्छ भारत अभियान पे? आप खुद देख सकते हैं इस चीज को, अपने पैसे देना पड़ते हैं, सब कराना पड़ता है। ये थे यहाँ पे क्षेत्रवासी, जिनका खास तौर पे ये कहना था कि हम यहाँ पर अपने पैसे देकर आते हैं, ना ही कोई नगर निगम आती है, ना ही किसी तरीके की कोई साफ सफाई होती है, और शाम को और यहाँ पर पानी भर जाता है, डेंगू का प्रकोप है, काफी गंदगी होती है। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे साथ हैं कुछ मौजूद। जी बताइए, क्या समस्या है, क्या दिक्कत? समस्या ये है, यहाँ पानी बहुत भरता है और गंदगी रहती है, बिना बरसात यहाँ बरसात रहती है, बिना बरसात। हाँ, सुबह भरता पानी, शाम का भरता पानी, गंदगी बहुत रहती है, कीचड़ रहती है। पार्षद ने आपसे शिकायत की, नगर निगम में कहीं गए? देखिए मैं बताऊं, पार्षद की मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी, चली जगल गए यहाँ। राकेश शर्मा जी सुना है, लेकिन वो आज तक गली में झांकने नहीं आए। ये मैं बताऊं, पार्षद की मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी, चली जगल गए यहाँ। राकेश शर्मा जी सुना है, लेकिन वो आज तक गली में झांकने नहीं आए। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, कितने साल हो गए, मैं याद 34-35 साल की उम्र हो गई, 36 साल की। हाँ। मैंने आते उनकी शक्ल नहीं देखी। अच्छा। यहाँ कभी झाग नहीं आते। हाँ। तो यहाँ आलम ये है, गंदगी, आप खुद ही नालियाँ देख लिए। हाँ। कैमरा मैन से कहना चाहूंगा दिखा दें यहाँ पर इनकी गाली। हाँ, ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर यहाँ पर क्या गंदगी का आलम है, गंदगी का जो आलम है। जो आप जो गली देख रहे हैं, हमारे गली वालों के सब पैसे इकट्ठा करके उन्होंने गली अपना बनाई। यहाँ पानी भरता था। अच्छा। कोई आता ही नहीं था। मस्जिद में नमाज पढ़ने में परेशानी होती, लोग जान नहीं पाते, घूम के जाते थे उधर से। अच्छा। तो हम लोगों को भी निकलने में परेशानी होती। तो इस बार चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं तो इस बार क्या की समस्या दूर हो पाई? काम करेगा वोट उसको मिलेगा, हम लोग जाते हैं यहाँ काम, जो काम करेगा उसको सब लोग यहाँ वोट देंगे। ये थे साफ तौर पर हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रवासी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं,
जो गंदगी है यहाँ पे नगर निगम नहीं आती है, बड़ी समस्या है, और जो काम करेगा वो उसको ये चुनेंगे इस बार। अब देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में क्या परिणाम आता है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा मस्जिद के साथ मैं मोहम्मद उवैस, लखनऊ से प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।